बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन विकास भवन में जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सोनिया पांडे ने भी मुख्य रूप से प्रतिभाग किया। शतरंज प्रतियोगिता में जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में शतरंज प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में माध्यम से बच्चों के मानसिक विकास बढ़ेगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित की जानी चाहिए। इस प्रतियोगिता के ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद के विभिन्न प्रतियोगिताएं, तिरंगा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन कराया गया। जनपद स्तर पर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शतरंज प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 एवं प्रथम अनुभव राजपूत द्वितीय अशोक कुमार, कक्षा 9 से 12 में प्रथम अभय द्वितीय अधितम, कक्षा 12 से ऊपर में प्रथम सृजल कुमार द्वितीय अनंता यादव रही। इस मौके पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने शतरंज विजय व उप विजेता को ट्रॉफी का प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र, अधिशासी अभिनेता विद्युत एवं विद्यालय एवं छात्र छात्राओं को उपस्थित रहे। आइए दिखाते विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे देश में इस बार 44th चेस ओलंपियाड बहुत जोरों शोरों से मनाया गया था चेन्नई में, और उसकी पूरे विश्व भर में जो प्रशंसा हुई है उसमें जो रिले टॉर्च थी वो कानपुर नगर में भी आई थी। उसी से ये प्रोत्साहित होकर कानपुर देहात में हम लोग ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं कानपुर देहात में भी है प्रतिभा छुपी हुई है, उसका खोज हमें करनी ज़रूरी है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा था तो हम लोग ने सोचा कि ये सुखद सहयोग है, और हम लोग ने इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करते हुए हम लोग ने जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे थे, क्योंकि कानपुर देहात अधिकतर ग्रामीण एक परिक्षेत्र है, तो उसमें हम लोग ने त्रिस्तरीय एक चेस की प्रतियोगिता कराई, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने स्कूल लेवल पर प्रतियोगिता कराई, उसके बाद स्कूल लेवल के विनर्स को हम लोग ने ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता करा के आज 17 तारीख जो कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव का फाइनल दिवस है, उसमें हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कॉम्पिटिशन कराया है उसमें बहुत अच्छी प्रतिभा निकल के आई है सामने। यहाँ पर लगभग 60 बच्चे मौजूद हैं जो जिन्होंने प्रतिभाग किया था, और बच्चों में बहुत उत्साह है इस इवेंट को, और हम लोग इसको रेगुलरली कराते रहेंगे।